जी असम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें लहसुन, अदरक, दो टमाटर, दो प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। आप ग्रेवी के हिसाब से प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो हम चिकन लेंगे। चिकन को अच्छे से धो करके साफ़ कर लेना। चलिए फटाफट बनाते हैं। प्याज हमने स्लाइस कर लिया, टमाटर हमने काट लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट पीस करके हमने ले लिया है। चलिए मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच गरम मसाला, किसी भी ब्रांड का, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 तेज़पत्ता और ये दालचीनी 1, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च 1.5 चम्मच। सारी चीज़ों लेने के बाद अब चलते हैं हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। फटाफट कढ़ाई गैस पे हम चढ़ा देंगे और 1.5 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को हम थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म होने लगा है। अब फटाफट इसमें जो मसाला था वो हम इसमें ऐड करेंगे और 2 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे, तब तक ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। आँच को तेज़ रखना है, धीमा नहीं रखना है। और ये प्याज ऐड करने के बाद हम इसको कंटिन्यू चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है और हमें प्याज एकदम गोल्डन चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्याज कलर आ रहा है। देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा हम गोल्डन नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर प्याज जल जाएगा, फिर चिकन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं। तो चलिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब जितना भी चिकन था सारे चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे और चिकन को तब तक इसमें पकाना है जब तक इसका चिकन का कलर चेंज नहीं हो। तो 5 से 7 मिनट तक उसको भूनना पड़ेगा चिकन का कलर चेंज होने के लिए। देखिए चिकन का कलर चेंज होने लगा है। जब कलर चेंज हो जाए इसमें तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल करके 2 मिनट के लिए इसको फिर से भूनेंगे। आप देख सकते हैं तो अदरक और लहसुन का स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से हम थोड़ा इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने काट के रखा था। देख सकते हैं आप टमाटर ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि टमाटर को पकने में आसानी होती है। और ये टमाटर अब उसके बाद हम नमक डालने के बाद उसके बाद हम जो भी मसाला था वो सारे मसाले को हम ऐड कर देंगे और इसको फिर से 2 मिनट के लिए भूनना है सारे मसाले के साथ। देखिए अब 2 मिनट तक इसे भूनते रहेंगे और उसके बाद देखिए इसका कलर ऐसे आ जाएगा। फिर 1 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी के हिसाब से आप पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं और इसमें कम से कम 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि चिकन जैसा है वैसा ही पकेगा। अगर पक जाएगा चिकन तो हम 5 मिनट भी पक सकता है, 10 मिनट भी पक सकता है। तो देखिए पकने के बाद चिकन ऐसा दिखने लगेगा, हमारा चिकन गल चुका है, देख सकते हैं। तो आप इसे पराठा, रोटी, पुलाव या किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जो बनाइएगा, अगर आपको मेरे चिकन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जो बताइएगा कैसा लगा। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।